इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैं वचन देता हूँ, मैं हमारे बीच कभी कोई दूरी आने नहीं दूंगा। और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तीसरी नहीं हो, तुम तो हमारी अभिज्ञा हो। दोबारा पापा बनने वाले हो और अभी तक बच्चों वाली हरकतें? क्या मतलब है मैं बच्चों वाली हरकतें करता हूँ? तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाने को बोलता हूँ, तुम्हें सोते वक्त लोड़ी गाने को बोलता हूँ, शर्ट के बटन लगाने को बोलता हूँ, जूते के लेसर डालने को बोलता हूँ, क्या मतलब है कि मैं बच्चों वाली हरकतें करता हूँ? और ये दोबारा पापा वापस दोबारा पापा बनने वाला हूँ। ये सेलिब्रेशन थोड़ा सा अलग है, प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। थैंक यू मुझे मेरी लाइफ की हर खुशी देने के लिए, और ये छोड़ो ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। समझ में नहीं आ रहा इसके बदले में तुम्हें दूध तो क्या दूं? मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, निकल जाओ यहां से। आज से तुम सिर्फ मेरे सपने देखोगी, और आज से तुम्हारी हर सुबह रंगीन होगी, क्योंकि सुबह उठते ही तुम मुझे देखोगी। तुम्हारा ब्रेकफास्ट, बैग टी, लंच, डिनर, सब कुछ मेरे हाथ होगा। मैं प्रज्ञा की असली खुशी छीन लूंगी, तब तुम रोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। I need your help. करना क्या? प्रज्ञा के जुड़वा बच्चों को ऐसी तकलीफ पहुंचाओ कि मेरा खानदान में तुम्हारा कोई हंस ना पाए। रखा है? पता नहीं, तुम्हारे साथ तो खेल रही थी ना सनी, तो परेशान कर रहे थे और वो चिल्ला रही थी। चिल्लाई थी मतलब? दी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्यारा ठीक नहीं है। एड्रेस? एड्रेस जहाँ मेरी बेटी है वहां का एड्रेस दो मुझे। बैग का एड्रेस दो। और बैग? पुलिस? एड्रेस, एड्रेस क्या? मेरी बेटी का एड्रेस क्या? क्या कहा है मेरी क्या? बता क्या एड्रेस? तू मर नहीं सकता, बता मुझे क्या का एड्रेस क्या? कहा मेरी बेटी क्या? मर चुका है, इज डेड। तुमने गोली क्यों चलाई? पता है किडनैपर ने मरा क्या था पुलिस को बताने से? किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? क्यों आया तुम यहाँ पर? किसने भेजा? आशीष ने बताया हमें, और हम यहाँ आपकी मदद करने आए मेहरा साहब। हेलो भाई, विक्की मारा गया। क्या? पुलिस ने गोली मार दी उसके, धोखा हुआ हमारे साथ। अभिषेक, आशीष, अभी अभी
हुआ क्या बताएगा भैया? क्या कर रहे हैं आप? समझने की कोशिश तो कीजिए, ऐसे करने से कोई हल निकलता है क्या? क्या किया तो तू किया? बताएगा क्या हुआ है? क्या हुआ? मुझे बोला था ना पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करने, तो पूरी पहुंची कैसे वहाँ पर? वहाँ मेरे बेटे थे। अरे पर हुआ क्या बता तो कुछ। पुलिस को इन्वॉल्व क्यों किया? तेरी हेल्प इसलिए मांगी थी ना ताकि पुलिस को इन्वॉल्व ना करना पड़े, पर तूने ही पुलिस को बुलाया। पता है पुलिस ने उनके एक आदमी को मार दिया। ओह माय गॉड, अब तू समझ रहे हुआ क्या है? कियारा कहाँ है? मैं कियारा को ले आता अपने साथ, लेकिन इसकी बेवकूफी की वजह से सब कुछ खराब हो गया। ना कियारा मिली और उनका एक आदमी भी मर गया। मनी बैग तो पता क्या करूं? मनी बैग कहाँ है? तू फालतू सवाल मत कर, बाहर भी गया मनी बैग। अभी अभी गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। बता मनी बैग कहाँ है? वो लोग ले गए क्या? गाड़ी में। कोई जाकर लेकर आओ बैग। उन्होंने पैसे क्यों नहीं लिए? मैंने उन्हें बैग दे दिया था, और इससे पहले कि मैं उससे कियारा का एड्रेस पूछता हूँ, पुलिस आ गई, वो लोग भाग गए। एक मिनट, एड्रेस क्यों? वो लोग पैसे के बदले कियारा को देने वाले थे ना, ना कि पैसे के बदले एड्रेस। किडनैपिंग के केस में हमेशा पैसे। अरे बाहर में जा केस। जब मना किया था तो बोला क्यों? मैंने तुझसे बोला था ये लोग पैसे लेकर भी बच्चे को नहीं छोड़ते। मैंने पुलिस को इसलिए भेजा था ताकि वो लोग किडनैपर तक पहुंच सके, तेरी बच्ची को सही सलामत ला सके। सब कुछ तेरी बच्ची के लिए किया था। अभी मुझे मेरी बच्ची मिली, कियारा मिली मुझे। वो आदमी जिसे एड्रेस पता था वो मर गया। अब किससे पूछूं मैं? तुझसे या तेरे पुलिस फोर्स से? मैं कुछ सोचता हूं। ये पैसे मैं किडनैपर्स को नहीं बल्कि उसे दूंगा जो मेरी बेटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे। इसलिए अगर किसी को भी मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता या इस किडनैपिंग से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास होना, तो ये 3 करोड़ रुपए मैं खुशी खुशी उसे दूंगा। एंड यू मिस्टर किडनैपर, ये गेम तुम्हारा है, पर बेटी मेरी है, इसलिए आप मेरे रूल्स होंगे। हीना, उसने हमसे इल्तिजा की है कि हम शरिया बोर्ड में शहर काजी के सामने उसका केस पेश करें। अब तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ही ली है और तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का वक्त है ना, ये नोट्स भी अच्छे से पढ़ लेना हमारे, क्योंकि ज़ारा अब ये केस हीना और शरिया बोर्ड के बीच नहीं है, अब ये केस ज़ारा और शहर काजी के बीच में। भयानक शक्ति का प्रकोप है इस घर में, अब इस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। कुछ नहीं होने वाला है, ना इस परिवार को ना इस घर को। अगर ये अंधविश्वास नहीं सच निकला तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे। करीना, तुमने कल रात को मुझे फोन करके बताया ना कि ऋषभ और शर्लिन की शादी जल्द से जल्द करनी है, लेकिन शादी में एक प्रॉब्लम है। मारी प्रीत पूरी होगी रिसोटर जब थारी लाश के ऊपर से मारी डोली उठेगी। मुझे मारने से पहले खुद को तो बचा ले चुना है। ये मंत्र फूक नमा। राहुल इंटरनेशनल नंबर से? उसका पुराना नंबर तो शादी के दिन से बंद। अरे तो पता करो दी, उनसे मिलकर आओ, हो सकता है राहुल की कोई मजबूरी हो। क्या आप अपने पहले प्यार को यूं ही जाने दोगे? काली पूजा के अवसर पर पुचकी चाहती है अपने ससुराल में शान की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम कलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शान ने पुचकी को अपनी पत्नी मानने से, उठेगा इस राज पर से पर्दा। 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में इस शनिवार शाम 7 से 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर। ये पैसे मैं किडनैपर्स को नहीं बल्कि उसे दूंगा जो मेरी बेटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे। इसलिए अगर किसी को भी मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता या इस किडनैपिंग से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास होना, तो ये 3 करोड़ रुपए मैं खुशी खुशी उसे दूंगा। एंड यू मिस्टर किडनैपर, ये गेम तुम्हारा है, पर बेटी मेरी है, इसलिए आप मेरे रूल्स होंगे। मारी प्रीत पूरी होगी रिसोटर जब थारी लाश के ऊपर से मारी डोली उठेगी। मुझे मारने से पहले को तो बचा ले चुना है।
ये मंत्र फूंक नमः।